ये मेरा फर्स्ट टाइम इन अमृतसर। आई हैव कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। माय नेम इज़ शहज़ान, मैं बॉम्बे से आया हूँ और मैं पंजाब पहली बार टूर कर रहा हूँ। मैं 3 सिटी है यहाँ पे, अमृतसर, लुधियाना एंड चंडीगढ़। तो आई हैव दिस राइट नाउ, बट ये बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत डिफरेंट था बिकॉज पंजाब में लॉन्ग करना इज़ अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग। मैं हर जगह जा चुका हूँ इंडिया में, इंडिया के बाहर ये कोरियोग्राफी लेके, बट यहाँ पे जो हिट हो रहा है बहुत डिफरेंट हो रहा है, बहुत ही डिफरेंट हो रहा है। और क्या कहेंगे जो खासकर पंजाब के बच्चे कितने टैलेंटेड हैं यार, क्या देखा उसमें, तुमने एनर्जी देखी गई है, क्या क्या कहेंगे यार? ये लोग बहुत एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक बच्चे हैं। यू नो, थोड़े शैतान से भी है ऑब्वियसली। इन्होंने एक मिनट भी मुझे नहीं छोड़ा है छेड़ने के लिए। तो आई थिंक आई तो एन्जॉयड इट। और एवरी सिटी दैट आई गो, जहाँ भी मैं हर नए शहर जाता हूँ कुछ नया ही नया मिलता है। एंड आई थिंक सेम विद पंजाब एज वेल। और आई थिंक ये तो गाना उनके लिए बिलोंग है, ये कोरियोग्राफी उनकी है मेरे हिसाब से। तो मेरा दिल तो बहुत खुश है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। सबसे बड़ी बात ये दिखाया गया कि कोरियोग्राफी में देखा कि जैसे बॉलीवुड है। मैं बहुत यू नो मूव्ड हूँ पंजाबी कल्चर से, उनके खानों से, यू नो उनके रहने सहने से, तौर तरीक़ों से। तो जब भी ऐसा कोई गाना होता है मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आता है। इसलिए ये गाना एक्चुअली हिंदी बॉलीवुड मूवी का है, बट मैंने वही पार्ट लिया है जो पंजाबी है, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट कर पाया इन टर्म्स ऑफ वाइल मेकिंग द कोरियोग्राफी। और उसके बाद क्या हुआ वो पूरी इंडिया ने देखा है अभी आई थिंक। और तो ये और लॉन्ग चलने वाला है, तो अभी पंजाब में बस घुसा हूँ, अभी तो बहुत बाकी है। सर यहाँ कितने दिन की वर्कशॉप है? ये एक दिन की आज यहाँ पे है अमृतसर में, कल लुधियाना में है, परसों चंडीगढ़ में है। तो मैं आई विल बी देयर 3 सिटी। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला जाऊँगा, बट आई विल बी समवेयर इन नॉर्थ ओनली टिल 5th आई विल बी इन नॉर्थ। बट हाँ, आज अमृतसर में एक आखिरी है। सर क्या कहेंगे जैसे कोरियोग्राफी में बच्चों को जैसे डांस सिखा रहे हैं, उनका कॉस्ट्यूम, उनके फेस एक्सप्रेशन जो होते हैं, उनके बारे में? ये बहुत इनोसेंस वाली बात है। यू नो, वो लोग बहुत एक्साइटिंगली सबको फ़ोन करके एक दूसरे से डिसाइड करके आए हैं। इनफैक्ट उन्होंने मेरी टीम को भी फ़ोन करके, बहुत सारे जिन लोग की रजिस्ट्रेशन जो लिए जा रहे थे उनको फ़ोन करके पूछा जा रहा था कि शहज़ान क्या पहन रहा है, वो बता देना, तो उसके हिसाब से हम पहन के आएंगे। तो मैं एक्साइटेड तो था ऑब्वियसली देखने के लिए कि यहाँ पे क्या डिफरेंट होगा, बट चीज़ें बहुत अच्छी है यहाँ पे, लोग बहुत वेलकमिंग है, बहुत वार्म है, पीपल आर वेरी काइंड टूवर्ड्स ईच अदर, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। और एंड में मज़ा ही आ रहा है। सी, माई हार्ट इज़ वेरी हैप्पी एंड आई एम एंजॉइंग दैट। सो इफ़ पीपल आर गेटिंग कोरियोग्राफी, नॉट गेटिंग कोरियोग्राफी, दैट्स सेकेंडरी। एवरीबडी इज़ वॉकिंग आउट वेरी फ्रीली एंड हैप्पीली। आई एम लाइकिंग दैट फ्रॉम यू। और फेस एक्सप्रेशन का जो कितना काम करता है, जो डांस में जैसे बच्चे कर रहे थे, कुछ का तो चेहरा खिला हुआ था, कुछ थोड़ा मुरझाया, डर रहे थे या क्या काम? वो थोड़ी जो थे, यू नो, उनके लिए पहली बार ये वर्कशॉप हुआ था कि वो फर्स्ट टाइम स्टेप कर रहे थे एक वर्कशॉप में। उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा, शायद इंटिमिडेटेड हो चुके होंगे, आसपास इतने सारे लोग डांस करते हुए देखते, 100-150 बच्चे यहाँ पे, तो यू नो हो जाता है, वो नए नए फर्स्ट टाइमर्स है। बट जो प्रो थे जैसे उनके, आपने भी देखा कि यू नो वो बहुत फ्रीली डांस कर रहे थे, वो बहुत एन्जॉय करके डांस कर रहे थे। आई थिंक दैट शुड बी द ओनली पर्पस इन अ क्लास, दैट यू एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ द क्लास। और यू नो उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, वो एक विन और लूज सिचुएशन था, बट चल रहा था, वो बैलेंस भी था, मज़ा भी आया। बहुत सारे लोगों के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस शायद बहुत बेटर भी रह जाएगा। और फर्स्ट लोगों के लिए यू नो जो ऑलरेडी डांस कर रहे हैं उन पे इट्स बिकम अ चेरी ऑन द टॉप फॉर देम, बिकॉज देव एन्जॉयड दिस सॉन्ग एज वेल, बिकॉज दे वर डाइंग टू डू दिस सॉन्ग इन पंजाब। Only one tip is there that you should always follow what you believe in. तुम्हें जो करना है actually वो करो। पेशेंस रखना पड़ेगा, of course पेशेंस तो चाहिए रहेगा हर एक आर्ट फॉर्म में, हर एक चीज़ में अपनी लाइफ के। यू नो ज़्यादा मत सोचो आसपास के बारे में, तुम्हें जो करना है उठो, एवरी डे वेक अप, डू योर वर्क, गो बैक होम, बी सैटिस्फाइड, एंड वट एवर इज़ देयर इन द यूनिवर्स फॉर यू विल कम टू यू। दैट इज़ इट।